गुलाब सिंह शाहीन का वीडियो आप देख रहे हैं, जिन्हें जबरन उस लाहौर पुलिस के जरिए उनके घर से घसीट कर निकाल दिया गया, जिस लाहौर पुलिस का वो खुद हिस्सा है। लाहौर शहर से 28 किलोमीटर दूर डेरा चहल के रहने वाले गुलाब सिंह शाहीन के साथ यह हरकत उस बोर्ड के अफसरों ने की है, जो बोर्ड पाकिस्तान में सिखों की धार्मिक प्रॉपर्टी और उन प्रॉपर्टी पर अपनी मनमानी चलाता है, जिन्हें बंटवारे के समय सिख परिवार पाकिस्तान में छोड़कर भारत आ गए थे। इसके अधिकारी और चेयरमैन गुरुद्वारों की जमीन को अवैध तरीके से बेचते रहे हैं और जमीनों पर कब्जा करते रहे हैं। गुलाब सिंह शाहीन ऐसी ही एक प्रॉपर्टी पर अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन किस तरह से उनके साथ सुलूक हुआ, उनकी धार्मिक पहचान और आस्था पर हमले किए गए, उन्हें मारा पीटा गया, सबसे पहले हम उसी वक्त का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। गुलाब सिंह शाहीन लगातार कहते रहे कि उन्हें कम से कम 10 मिनट का समय दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान के ये अफसर इतने जालिम कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। हमने गुलाब सिंह शाहीन से बात की, उन्होंने बताया कि वो उनका परिवार बंटवारे के समय से इसी घर में रह रहा है, इतनी ज्यादतियां हुई लेकिन पाकिस्तान नहीं छोड़ा। गुलाब सिंह के साथ ये बदसलूकी करने के पीछे वो पुराना केस भी है, जिसमें गुलाब सिंह लाहौर के डेरा चहल में सिखों की धार्मिक प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से बेचने वाले पाकिस्तानी अफसरों के खिलाफ खड़े हुए थे और मामला कोर्ट तक पहुंचाया था। कल अचानक इसी गैंग के लोग स्थानीय पुलिस को लेकर गुलाब सिंह के घर पहुंच गए। हमने गुलाब सिंह से बात की है, उन्होंने अपनी आप बीती हमें सुनाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाईजान, जिस तरह आपने पूछा है मुझसे, मैं उसी का आपको बता रहा हूँ कि 1 बजे का समय था जब हम लोग खाना खा रहे थे, बैठे थे घर पे, मैं आया था, वाइफ था और बच्चे बैठे थे और मेरा भाई भी मेरे साथ में बैठा था। तो खाना खाते वक्त वो लोग अचानक आए, उन्होंने बार मेन का गेट को फ्लांकाया और गेट अंदर से बंद था। गेट को खोलने के बाद पुलिस वालों की काफ़ी तादाद और काफ वाले अंदर आए, उसके बाद वो लोग काफले और पुलिस वाले, उन्होंने मेन जो दरवाज़ा था घर का वो तोड़ा, तोड़ के वो अंदर आए। उनके साथ लेडीज़ पुलिस भी थी, उन्होंने मेरी वाइफ को बालों से पकड़ा और जो SH होता उसने मुझे सर से पगड़ी से पकड़ा, उन्होंने मुझे घसीटना शुरू किया। मैंने कहा यार क्या ऐसी बात हो गई, मैं कोई उग्रवादी तो नहीं, मैं कोई दहशतगर्द तो नहीं, आप मेरे साथ क्या करें, क्या बात है, क्यों घर के अंदर आ गए। कहते ये उकाफ का घर है, आप यहाँ से निकलो। मैंने कहा यार उकाफ का घर है, कोई भी है तो आप ऐसी तरह मेरे बालों से तो नहीं मुझे पकड़ सकते। उन्होंने मेरे साथ बहुत मुझे घसीटा, मुझे मारना शुरू किया। लेडीज़ पुलिस ने मेरे बच्चों को बाहर निकाला कि कॉलोनी दे के आप लोग बाहर निकलें, गर्मी में बैठे। मेरे मिसेस को मारना शुरू कर दिया लेडीज़ पुलिस ने, और जब लोग मैंने मुझे घसीट कर जब बाहर निकल के मैंने जूड़ा को दोबारा बांधा तो फिर मैं अंदर आ गया। मैंने कहा मुझे 10 मिनट का समय दो, मैं पगड़ी बांध कर जूते पहन के तो हम कुछ घर का सामान लेते हैं, अपनी जो कार्रवाई करनी उसके बाद कर लें। नहीं, कहता हम 1 मिनट का भी सामान नहीं देंगे। हम लोग ना बगैर जूते पहने, सर पे ना पगड़ी ना दस्तार कुछ पहने बगैर हम लोगों को निकाल लिया। उन लोगों ने हमारे फ़ोन, जो हम चाहते थे कि उनकी कोई वीडियो बना ले, वो लोगों ने हमारे फ़ोन, अभी तक उन लोगों ने फ़ोन भी नहीं वापस किए। ये उस पाकिस्तान में सिखों का हाल है जहां 500 साल पहले सिख धर्म का जन्म हुआ था। सिख धर्म की स्थापना करने वाले गुरु नानक साहिब की जन्मभूमि ननकाना साहिब पाकिस्तान के लाहौर शहर में है, लेकिन आज पाकिस्तान में सिखों की हालत यह हो गई है कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और मुस्लिम चरमपंथियों के हाथों जान देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पहले से ही वजूद की लड़ाई लड़ रहे सिख समुदाय पर अब सफाई का संकट मंडरा रहा है। पाकिस्तान में सिखों की आबादी करीब 30,000 है, जिनमें से अधिकतर पेशावर और आसपास रहते हैं। अभी पिछले महीने जून में पेशावर में नामी एक्टिविस्ट चरणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये पिछले 4 साल में सिख समुदाय के बीच प्रभावशाली सिखों की 10वीं टारगेट किलिंग थी। पेशावर से ही 4 साल में करीब 60% सिख
दूसरी जगहों पर चले गए या फिर भारत आ गए। सिखों के गुरुद्वारा और शमशान घाटों की जमीन पर जबरन कब्जा करके उन्हें बेच दिया गया। ये काम इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के जरिए हुआ, जो ऐसी प्रॉपर्टी को देखती है जो बंटवारे के समय लोग छोड़ गए थे। इस बोर्ड की अनुमति के बगैर पाकिस्तान में सिख अपने गुरुद्वारा और दूसरे धार्मिक कामों के लिए एक ईंट भी नहीं लगा सकते। इसी बोर्ड ने पाकिस्तान के पहले सिख ट्रैफिक वार्डन गुलाब सिंह को भी ऐसी ही जमीन के लिए परेशान किया। गुलाब सिंह ने बोर्ड के चेयरमैन पर केस किया था कि उसने अवैध तरीके से गुरुद्वारे की जमीन को बेच दिया। जनवरी में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड चेयरमैन को दोषी करार दिया था, लेकिन फिर भी गुलाब सिंह के साथ बदसलूकी कर उन्हें घर से निकाल दिया गया। क्या सिख, क्या हिंदू, क्या ईसाई, पाकिस्तान में चुन चुन कर उन लोगों पर अत्याचार होते हैं जो कम आबादी में है। हिंदू और ईसाई परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन, छोटी बच्चियों को अगवा कर लेना, जबरन शादी करवाकर धर्म बदलवा देना, सिख समुदाय के प्रभावशाली लोगों की टारगेट किलिंग, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा, गुरुद्वारों की जमीन बेच देना, ये सब करने की छूट पाकिस्तान के सिस्टम ने अपने लोगों को दे रखी है। गुलाब सिंह शाहीन ने 2011 में गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी बेचने वाले आसिफ हाशमी नाम के अधिकारी के खिलाफ केस किया था, जिसमें इसी साल हाशमी को अवैध तरीके से गुरुद्वारे की जमीन बेचने का दोषी खुद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने माना था। उसी का बदला गुलाब सिंह शाहीन से लिया जा रहा है। गुलाब सिंह और उनके परिवार के साथ पाकिस्तान में जो किया गया है उससे भारत में बहुत आक्रोश। हम उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरदार गुलाब सिंह जो कि पहले सिख अफसर थे पाकिस्तान के अंदर, उनको जबरन घर से बाहर निकाला गया, उनके बच्चों को सड़क पर बार बार फेंका गया निकालकर, और एक केसाधारी दस्तार सजाई हुई और अमृतधारी सिख की दस्तार को उतारना अगर हिंदुस्तान में हुआ तो 295A में अभी लोग अंदर हो जाते और जमानत ना होती, लेकिन पाकिस्तान का अगर एक पुलिस अफसर ही महफूज नहीं है वहाँ पर, तो आप एक आम नागरिक की क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम उनके हाई कमीशन से भी मुलाकात करेंगे और हम अपने देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी से भी कहना चाहते हैं, सिख चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे किसी देश के कोने में हो, लेकिन उनकी जड़ें जो इस देश में थी उनको भी उनके ऊपर बातचीत करनी चाहिए और उन अफसरों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने एक सिख की दस्तार को उतारा है, और उनको वापस उनके घर में बहाल किया जाए। पाकिस्तान में एक सिख पुलिस ऑफिसर, जो पहला पुलिस ऑफिसर था, उसको घर से जबरदस्ती निकाला गया, उसकी पगड़ी उतारी गई, बाल खींचे गए, और जबकि उसका कोर्ट में केस पेंडिंग था। पाकिस्तान के अंदर मिनोरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं वो सेफ नहीं हैं। रोज़ कभी हिंदुओं पे, सिखों पे अटैक होते हैं, मंदिरों पे, गुरुद्वारों पे अटैक होते हैं। 1947 से पहले हिंदुस्तान का पार्ट था, मैं समझता हूँ वो बेसिकली हिंदुस्तानी हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा प्रेशर डालना चाहिए उस सरकार के ऊपर, और हम भी इस इशू को जो है पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू वहाँ की सरकार के साथ उठाएंगे ताकि पाकिस्तान ऐसा करने से बाज आए।